हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है आपका। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानेंगे, कैसा इसका पेपर आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो, तो देख लेते हैं वीडियो के बाद क्या इसका सिलेबस है। तो देखिए, सिलेबस की बात की जाए, पहली यूनिट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स क्या है, डिबेट, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फेडरलिज्म क्या है, इसके यूनिट बन के, ठीक है। यूनिट टू है आपका स्टेट फॉर्मेशन, नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना, और आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यूनिट टू में पढ़ोगे। यूनिट थ्री रहेगा आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। यूनिट फोर रहेगा सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पावर, कास्ट, क्लास, जेंडर। यूनिट फाइव रहेगा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट एंड सेकुलरिज्म एंड कॉम्युनलिज्म। यूनिट सिक्स रहेगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। यूनिट सिक्स आपका सेवन रहेगा डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, प्लान, इकोनॉमी, न्यू लिबरल, ठीक है। और यूनिट एट रहेगा सोशल मूवमेंट्स, वर्कर, फार्मर्स, इन्वायरमेंटल एंड वुमेन मूवमेंट्स। और आपका नाइन रहेगा द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, डेवलपमेंट, वेलफेयर, रेगुलेटरी। बस यानी नौ इसमें पूरे चैप्टर है, बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपके यूनिट इसका सिलेबस हो गया। अब जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़रा नोट कर ली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच तुलना की चर्चा कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। मौलिक अधिकारों और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। भारतीय संविधान स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की शक्ति और भूमिका का विश्लेषण करें। भारतीय संसद के संविधान और विशेष अधिकारों का वर्णन करें और संसद की बदलती प्रकृति पर चर्चा करें। न्यायिक समीक्षा क्या है, भारत में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान और अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सातवां, भारत के राजनीतिक ढांचे में जाति का उदय कैसे हुआ, समाज में जाति का इसका क्या प्रभाव पड़ा। आठवां, वर्ग क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें और भारत में वर्ग के इतिहास की भी व्याख्या करें। भारत में सांप्रदायिकता की बहसों पर एक निबंध लिखिए, यह भी बताइए कि लोकतंत्र के लिए ये कैसे चुनौतीपूर्ण है। एक राजनीतिक दल क्या है, भारतीय क्षेत्रीय दलों के उदय के मुख्य कारण बताइए। भारत के विभिन्न सामाजिक आंदोलन का वर्णन कीजिए। बारहवें, कुछ टिप्पणियां हैं, देख लेते हैं क्या क्या टिप्पणियां हैं आपकी, टिप्पणियां है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन भाषा के आधार पर वर्तमान में नए राज्यों के गठन की मांग, पितृसत्ता, संविधान, धर्मनिरपेक्ष राज्य की चुनौतियाँ, राजनीतिक दल, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और जो इसका पेपर देख लो, पेपर कैसे आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमने इंपॉर्टेंट निकाले थे, जो इसके पेपर देख लेते। तो देखिए, पेपर की बात की जाए, बीए प्रोग्राम का पेपर है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, और 5 क्वेश्चन इसमें आपको टोटल करने होंगे हिंदी या इंग्लिश में। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पर चर्चा कीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि वर्ग ने भारत की राजनीति में सत्ता की गत्यात्मकता को बदल दिया है, तो जरा इसके बारे में बताइए। पंथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए, भारत में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता दोनों को भी आ सकता है, सेकुलरिज्म। वाद विवाद पर परीक्षण कीजिए। छठा, आपका दलीय प्रणाली क्या है, 1990 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर विवेचना कीजिए। सातवां, भारत एक कल्याणकारी राज्य, विवेचना कीजिए, वेलफेयर स्टेट डिस्कस करना है। आठवां, भारत में नए सामाजिक आंदोलन के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, देखिए कौन कौन नए सामाजिक आंदोलन हुए, नारीवादी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, है ना, कोई भी डाल सकते हो। नौवां, पंचवर्षीय योजना ने भारत में विकास प्रक्रिया की मदद की है, जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो मुझे लगता है कांग्रेस के टाइम से शुरू हुई थी। हर 5 साल में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी योजना अब तक आई है, हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब सरकार बदलती है, हर साल सरकार बदलने के बाद, तो 5 साल बाद जो भी सरकार आती है तो पंचवर्षीय योजना चलाती है हर 5 साल के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कुछ टिप्पणी है जिसमें प्रस्तावना, श्रमिक आंदोलन, मुख्यमंत्री की शक्ति और एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली, ठीक है। तो ये कुछ आपके पेपर हो गए, दिखा दिया मैंने, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।